हेलो गाइज, वेलकम बैक टू GTA Vice City। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आज आपको ये जो आपको स्क्रीन पे एक हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, X-304 गन्स हिप इस हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों। ये एक मूड है, इसे हंटर हेलीकॉप्टर की जगह रिप्लेस किया गया। तो आप भी अपने GTA Vice City गेम के अंदर किस तरह इसी हेलीकॉप्टर को ले सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कम्प्लीटली सेटिंग जो है ना, आज आपको इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो को कम्प्लीट देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, ताकि आपको कम्प्लीटली सेटिंग जो है ना समझ में आ जाए कि आप भी अपने GTA Vice City गेम के अंदर इसे किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको ये मूड का लिंक मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा, आपने आना है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर आएंगे तो आप डाउनलोड वाले फोल्डर में आएंगे, तो यहाँ पे आपने अभी अभी जो फाइल जो मूड डाउनलोड किया तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। X-304 गन शिप का हेलीकॉप्टर का नाम है, तो यहाँ पे आपने उसे एक्स्ट्रैक्ट हेयर करना है और इन पिंक कलर फाइल को ओपन करना है आपने। तो आपको स्क्रीन पे एक न्यू पेज जो है ना नज़र आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड पे आपको वो जो है ना हेलीकॉप्टर नज़र आ जाएगा जो आप अपने GTA Vice City गेम के अंदर रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि मैंने रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे आपको कट करना है और ऊपर जाके आपने सेलेक्ट करना है आप इसे किसकी जगह रिप्लेस करने वाले हैं। तो मैंने हंटर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर में जाके आपने अपनी GTA Vice City गेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी GTA Vice City गेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे GTA Vice City गेम जो है ना सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने नीचे रिबिल्ड वाले ऑप्शन को टिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये ग्रीन लाइन स्टार्ट होगी, तो जैसे ग्रीन लाइन खत्म होती है तो आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका मूड जो है ना सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपने क्लोज करना है, टोटली फाइल को क्लोज कर देना है। जितने भी फाइल ओपन की है तो आपने जाना है सिंपल अपने GTA Vice City गेम के अंदर, जहाँ पे जिसके अंदर आपने अभी मूड को रिप्लेस किया। तो यहाँ पे मैं अपने GTA Vice City गेम के अंदर चला जाता हूँ। तो आपने उस GTA Vice City को करना क्या है, आपने अल्टीमेट ट्रेनर से प्ले करना है, क्योंकि जब आप अल्टीमेट ट्रेनर को ओपन करते हैं तो आपने सेटअप में आना है। जैसे सेटअप में आएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको हंटर हेलीकॉप्टर का चीट कोड जो है ना मिल जाता है। ये देखें दोस्तों, आपको Shift और 3 जो है ना यहाँ पे हंटर हेलीकॉप्टर का आपको चीट कोड नज़र आता है, तो आपने उसे टिक करना है और स्टार्ट वाइज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे स्टार्ट वाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको इंट्रो जो है ना GTA Vice City का स्टार्ट होता है। तो जैसे इंट्रो खत्म होता है तो स्क्रीन पे आपको टोमी नज़र आ जाता है। तो जैसे टोमी नज़र आएगा तो आपने टोमी को मूव करना है, थोड़ा सा आगे लेके जाना है। तो चलो यहाँ पे आपको टोमी जो है ना नज़र आने वाला है, तो यहाँ पे टोमी को आपने आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे आपने Shift और 3 का बटन दबाना है, तो आपका ये चीट कोड एक्टिव हो जाएगा और आपको स्क्रीन पे ये जो X-304 एक हंटर हेलीकॉप्टर है ये जो है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आपने टोमी को लेके जाना है उसके करीब और इंटर को दबाना है, वो जो है उसके अंदर बैठ जाएगा। तो जैसे इंटर दबाएंगे तो टोमी जो है ना हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाएगा और आपने एक्सीलेटर को दबाना है तो हेलीकॉप्टर जो है ना ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे नंबर वाले 0 का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको 0 नंबर नज़र आता है नंबर वाली साइड, तो ये अपने जो मुँह से है ना ये फायर भी करता है। ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को एंड स्क्रीन में दो और वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो ऐड की गई हैं, आप उन्हें भी जाके विजिट कर लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।